तो गाइस अगर आप नथिंग फोन 2A या फिर 2A प्लस के बीच में कंफ्यूज है कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बढ़िया रहेगा आपके लिए, तो आज आपके इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं इन दोनों फोन्स को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड आज मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो जाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट, मेरा नाम आयान, आप देखिए जागरण प्ले। तो कैसे अगर डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन्स का जो डिजाइन है काफी सिमिलर है। आपको 2A प्लस में बस एक नया कलर देखने को मिल जाएगा, बट जो डिजाइन है दोनों फोन्स का बहुत सेम है। दोनों फोन्स में आपको ग्लिफ लाइट देखने को मिल जाते हैं, प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिल जाएगी दोनों फोन्स में एंड दोनों फोन्स का जो लुक एंड फील है डिसेंट है। यहाँ पे फोन्स उतने ज्यादा प्रीमियम नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाती है एंड स्क्रैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट 125,000 के बजट मेरे को जो नथिंग फोन 2A सीरीज की जो डिजाइन है काफी बढ़िया लगती है, काफी यूनिक डिजाइन है एंड ग्लिफ लाइट्स ये फोन मेरे को काफी अच्छा लगता है। दोनों ही फोन्स में आपको 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। आउटडोर विजिबल मेरे को दोनों के डिस्प्ले में कोई इशू नहीं आ रहा था, कलर्स दोनों के डिस्प्ले के काफी बढ़िया थे। डिस्प्ले में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, दोनों की डिस्प्ले सेम है एंड दोनों की डिस्प्ले काफी बढ़िया एंड शानदार है। परफॉर्मेंस की बात करता तो आपको नथिंग फोन 2A में Dimensity 7200 Pro का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, 2A प्लस में आपको 7350 Pro का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। नेम से आपको लग रहा होगा कि 2A प्लस के चिपसेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा पावरफुल है, बट ऐसा नहीं है। नथिंग फोन 2A की चिपसेट मेरे को ज्यादा एफिशिएंट लगी, डे टू डे टास्क में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था 2A प्लस के अगेंस्ट एंड सिंस यहां पर आपको एक रीसेंट अपडेट देखने को मिलेगा जिससे नथिंग फोन 2A में BGMI में 90fps इनेबल हो चुका है। नथिंग फोन 2A प्लस में अभी भी आपको यहां पे 90fps BGMI में देखने को नहीं मिलेगा। Genshin Impact दोनों ही फोन सिमिलर FPS पर रन कर रहे थे, वहां पे आपको कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। हीटिंग की बात करते हो 2A प्लस ज्यादा हीट होता है एज कंपेयर टू 2A एंड हम लोग गेम प्ले की बात करते हो तो BGMI नथिंग फोन 2A में ज्यादा बेटर चल रही थी। हाँ, आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट FPS नहीं मिलेंगे, आपको बीच में FPS में fluctuations देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पर आपको 60+ FPS मिलेंगे जो कि ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा आपको as compared to Nothing Phone 2A Plus जहाँ पर आपको 60fps देखने को मिलेंगे। Nothing Phone 2A मेरे को ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस लाके दे रहा था एंड मेरा जो गेमिंग एक्सपीरियंस था Nothing Phone 2A में ज्यादा बेटर था। 2A Plus के आपको बेस फेयर में 256GB देखने को मिल जाएगी जो आपको 23,000 का पड़ेगा एंड 2A का जो 256GB वाला वेरियंट है वो भी आपको 23,000 का पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 2A ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको 90fps देखने को मिलता है। ड्यूरेट लास्ट में दोनों ही फोन लाग नहीं कर रहे थे बट Nothing Phone 2A की परफॉर्मेंस मेरे को ज्यादा बेटर लगी। दोनों ही फोन में आपको 5000mAh की बैटरी देने को मिल जाएगी, दोनों ही फोन आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इजिली ला के दे देंगे। तो गाइस अगर आप अपने 25,000 के बजट में दोनों फोन में से कोई फोन चूज करना चाहते हो तो आप Nothing Phone 2A लीजिए, क्योंकि देखिए गाइस इसका जो बेस वेरियंट है आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू 2A प्लस, बट अगर आपको 256GB वाला वेरियंट ही लेना है तो आपको सेम प्राइस में पड़ जाएगा। साथ ही गाइस जो इसकी परफॉर्मेंस है ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 2A प्लस, यहाँ पर आपको 90fps में BGMI देखने को मिल जाएगा एंड एज सच कोई मेजर चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू 2A प्लस। बाकी गाइस अगर आपको इन दोनों फोन्स को लेकर स्टिल कोई डाउट्स है फिर क्वेश्चंस हो आप मेरे कमेंट्स में बताना, आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाएंगे मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड प्ले गेम्स।